Good morning to everyone and today welcome to the lecture number 38. आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 38. तो आपको अपने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन के सेट लेवल का 104 यानी कि 104 नंबर का पेज आपको ओपन कर लेना है. इसमें हम एक कॉन्वर्सेशन आया है, वो कॉन्वर्सेशन यानी कि बातचीत वो सीखने वाले हैं. और ये जो कॉन्वर्सेशन है, ये जो बातचीत है, ये एक होटल की है, एट द होटल. इसको होटल नहीं पढ़ेंगे, इसको होटल पढ़ा जाता, होटल 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 भी पढ़ते हैं, होटल भी पढ़ते हैं. एट द होटल, होटल में किस तरह से बातचीत की जाती है, आप भी कहीं जाएं तो होटल्स में किस तरह से बातचीत की जाती है वो है. तो आप देखिए, इस कॉन्वर्सेशन को समझने की कोशिश कीजिए. एक रिसेप्शनिस्ट और एक मयंक, दो के बीच की बातचीत है. इन दो के बीच में जो है वो कॉन्वर्सेशन है. किस किस के बीच में? मयंक जो वहाँ का गेस्ट होता है और रिसेप्शनिस्ट जो होटल की तरफ से एक एम्प्लॉई रिसेप्शन पे बैठता है, जो रूम अलॉट करना वगैरह, इंक्वायरी वगैरह सबका जवाब देने के लिए एक रिसेप्शन पे बैठता है, उसे हम रिसेप्शनिस्ट कहते हैं. तो रिसेप्शनिस्ट और मयंक के बीच में क्या बातचीत है, आइए देखते हैं. तो सबसे पहले मयंक होटल जाता है. तो होटल जाने के बाद रिसेप्शनिस्ट रिसेप्शन काउंटर पे जाता है. तो रिसेप्शनिस्ट उससे बोलती है, गुड मॉर्निंग सर, हाउ कैन आई हेल्प यू. एक सेंटेंस है, गुड मॉर्निंग सर. पहले तो जैसे ही मयंक रिसेप्शन काउंटर पे गया तो वहाँ जो होटल एम्प्लॉई रिसेप्शनिस्ट थी, उसने पहले विश किया, गुड मॉर्निंग सर. फिर उसके बाद हाउ कैन आई हेल्प यू. कई बार रिसेप्शन काउंटर पे, बैंक में कैश काउंटर पे, इस तरह से या इंक्वायरी काउंटर पे ये सेंटेंस लिखा हुआ होता है, हाउ कैन आई हेल्प यू. ओके, अब हाउ कैन आई हेल्प यू का मतलब होता है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ या मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, दोनों अर्थ इसमें होते हैं. तो वो लेडी रिसेप्शनिस्ट कह रही है कि गुड मॉर्निंग सर, हाउ कैन आई हेल्प यू. सर, मैं आपकी पहले तो गुड मॉर्निंग का विश किया, और विश करने के बाद, विश कैसे किया जाता है आपको क्लास फर्स्ट में बताया कि टाइम के अकॉर्डिंग विश किया जाता है. तो हाउ कैन आई हेल्प यू, अब हाउ कैन आई हेल्प यू इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ, ये उसने बोला रिसेप्शनिस्ट ने. तो फिर मयंक, उसने जो विश किया उसका रिप्लाई किया और बोला, गुड मॉर्निंग, आई हैव जस्ट अराइव्ड फ्रॉम दिल्ली. अब यहाँ पे एक मीनिंग आया है अराइव्ड. अराइव्ड मतलब पहुँचा, पहुँचना. तो जस्ट हैव अराइव्ड, हैव के साथ वर्ब की V3 आ रही है, तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो आया हूँ या पहुँचा हूँ इस तरह के सेंस में. तो इस पूरे सेंटेंस को आइए पढ़ लेते हैं. तो मैं कह रहा है, गुड मॉर्निंग, आई हैव जस्ट अराइव्ड फ्रॉम दिल्ली एंड लुकिंग फॉर 3 days स्टे हियर, कैन आई गेट ए रूम. देखो यहाँ पे पहले, इससे पहले इस सेंटेंस को हम समझते हैं. ये कह रहा है कि आई हैव जस्ट अराइव फ्रॉम दिल्ली. मैं, अराइव का मतलब क्या होता है, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाओ, अराइवल और डिपार्चर होता है. तो अराइवल मतलब आगमन, मतलब आना, और डिपार्चर मतलब प्रस्थान. तो डिपार्ट एक वर्ब हो गई, डिपार्चर एक तरह का वोकैब हो गया आपका. इसी तरह अराइवल जो है वो आपका वोकैब हो गया, और अराइव आपका जो वर्ब हो गया. तो अराइव का मतलब क्या हो गया, पहुंचना या आना, एक तरह का सेंस हो सकता है. तो आई हैव जस्ट अराइव फ्रॉम दिल्ली, मैं अभी दिल्ली से आया हूं. एंड लुकिंग फॉर 3 days स्टे हीयर, और लुक फॉर का मतलब, देखो लुक का मतलब तो होता है देखना, और लुक में फॉर जुड़ जाता है, फ्रेजल वर्ब बन जाती है. तो लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना या तलाश करना. तो इसने कहा लुकिंग फॉर, आई एंड
लुकिंग फॉर 3 डेज स्टे हियर, स्टे मतलब यहाँ रुकना, कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए। तो इसने क्या कहा कि मैं दिल्ली से जस्ट अभी आया हूँ और तीन दिन के लिए स्टे करने के लिए तलाश कर रहा हूँ रूम की। तो उसने फिर कहा कि कैन आई गेट ए रूम, क्या मुझे रूम मिल सकता है? क्या कहा उसने? कैन आई गेट अ रूम, क्या मुझे रूम मिल सकता है? देखो उसने विश करके क्या कहा कि मैं अभी दिल्ली से आया हूँ और यहाँ पे 3 दिन का स्टे मुझे करना है, तो क्या मुझे रूम मिल सकता है? कैन आई गेट ए रूम? तो फिर रिसेप्शनिस्ट का तो काम ही है ये रूम देना। तो वो क्या कह रही है? श्योर सर, बिल्कुल सर। व्हाट काइंड ऑफ अकोमोडेशन यू आर लुकिंग एट? लुकिंग एट, अकोमोडेशन मतलब आवास, रहने का स्थान। तो आपको किस तरह का अकोमोडेशन चाहिए? अब अकोमोडेशन आपके लिए हो सकता है नया मीनिंग हो। तो अकोमोडेशन का मतलब क्या हुआ? आवास की जगह, यानी कि रहने का आपका होटल में रूम हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? अकोमोडेशन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? अकोमोडेशन। ओके, तो वो रिसेप्शनिस्ट कह रही है श्योर सर। श्योर सर कहाँ यूज़ होता है? बिल्कुल या पक्का सर, मिल जाएगा। तो वहाँ के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? श्योर। श्योर सर, व्हाट काइंड ऑफ अकोमोडेशन यू आर लुकिंग एट? आप किस तरह के अकोमोडेशन की तलाश कर रहे हैं? ठीक है, तो जैसे मान लो होटल के अंदर सिंगल बेडरूम भी होता है, डबल बेडरूम भी होता है, ट्रिपल बेडरूम भी होता है। तो वो कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ अकोमोडेशन यू आर लुकिंग एट, आपको किस तरह का रूम चाहिए, या आपको किस तरह का तीन दिन का जो आपको स्टे करना है वो किस तरह का आपको चाहिए? व्हाट काइंड ऑफ अकोमोडेशन यू आर लुकिंग एट? तो मयंक कह रहा है आई गो फॉर सिंगल ऑक्यूपेंसी। अब ये आईड है, ये आई और वुड का शॉर्ट है ये। आई वुड मतलब मैं जाऊंगा किसके साथ? फॉर सिंगल ऑक्यूपेंसी, एक रूम के साथ। ओके, एक ही कमरा चाहिए आपको होटल के अंदर, तो आप बोलेंगे सिंगल ऑक्यूपेंसी। क्या बोलेंगे? सिंगल ऑक्यूपेंसी। तो इसने क्या कहा? आई गो फॉर सिंगल ऑक्यूपेंसी, यानी कि मुझे एक ही रूम चाहिए, एंड प्रेफरेबली एंड एसी रूम। और वो रूम भी कैसा होना चाहिए? एसी वाला होना चाहिए। प्रेफर का मतलब ज़्यादा पसंद करूँगा, कौन से को? एसी रूम को। तो प्रेफरेबली मतलब संभवतः, यानी कि एक तरह से ज़्यादा पसंद करूँगा कौन से रूम को? एसी वाले रूम का। चाहिए तो सिंगल ऑक्यूपेंसी, यानी कि एक ही रूम चाहिए, एक ही बेडरूम चाहिए, लेकिन उसमें एसी होना चाहिए। आई वुड गो फॉर सिंगल ऑक्यूपेंसी बट प्रेफरेबल एंड एसी रूम। प्रेफरेबल मतलब, प्रेफरेबली मतलब होता है ज़्यादा पसंद करना। तो प्रेफरेबली एन एसी रूम, और वो रूम कौन सा होना चाहिए? एसी रूम होना चाहिए। तो फिर रिसेप्शनिस्ट क्या कहती है? श्योर सर, वन मोमेंट प्लीज़। एक क्षण रुकिए, थोड़ी एक 2-5 सेकेंड रुकिए, यानी कि सिंगल ऑक्यूपेंसी जो कंप्यूटर, उसके होटल का कंप्यूटर जो होता है रिसेप्शनिस्ट के पास, तो उसमें वो बुक करती है। तो वो कहती है वन मोमेंट प्लीज़, थोड़ी देर, थोड़े क्षण रुकिए सर। फिर वो रूम नंबर निकाल के बोलती है, सर योर रूम नंबर इज 305। आपका जो रूम है वो रूम का नंबर है 305। ओके, देखो अभी तक क्या बातचीत हुई इनकी। अभी तक सबसे पहले जो दिल्ली से आया मयंक, तो मयंक होटल में जाता है, तो होटल नहीं बोलना, होटल, क्या बोलेंगे? होटल, होटल। तो गुड मॉर्निंग बोलता है, रिसेप्शनिस्ट बोलती गुड मॉर्निंग सर, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकती हूँ? तो फिर मयंक बोलता है कि गुड मॉर्निंग, आई हैव जस्ट अराइव फ्रॉम दिल्ली एंड लुकिंग फॉर 3 डेज स्टे हियर, कैन आई गेट रूम? देखो मैं अभी दिल्ली से आया हूँ और मुझे 3 दिन यहाँ पर स्टे करना है, तो क्या मुझे रूम मिल सकता है? तो फिर रिसेप्शनिस्ट बोलती श्योर सर, बिल्कुल मिल सकता है। व्हाट काइंड ऑफ अकोमोडेशन यू आर लुकिंग एट, आपको किस तरह का कमरा चाहिए? तो मयंक बोलता है आई वुड गो फॉर सिंगल ऑक्यूपेंसी एंड प्रेफरेबली एन एसी रूम। मुझे चाहिए तो सिंगल कमरा ही, लेकिन उसमें एसी होना चाहिए। तो फिर रिसेप्शनिस्ट क्या कहती है? श्योर सर, बिल्कुल सर। एक क्षण आप रुकिए, फिर वो रूम बुक कर देती है और फिर बोलती है सर योर रूम नंबर इज 305। तो आपका जो रूम नंबर है वो है 305। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब रूम नंबर तो उसने बता दिया, तो मयंक के पास कुछ बैग्स वगैरह भी थे, तो उसने कहा कि
एंड व्हाट अबाउट माय लगेज, और मेरे लगेज के बारे में कौन कौन ले जाएगा लगेज तक 305 तक। तो लगेज क्या होता है, जो साइड में एक्स्ट्रा बैग कैरी करके लाते हैं तो वो हमारा लगेज कहलाता। तो उसने ऐसा कहा कि ठीक है, आपने मुझे रूम तो अलॉट कर दिया 305, लेकिन मेरा जो ये लगेज है, जो साथ में सामान है, इसको मेरे रूम तक कौन ले जाएगा, व्हाट अबाउट माय लगेज। तो फिर रिसेप्शनिस्ट बोलती है आई आस्क पोर्टर, देखो आस्क मतलब पूछना नहीं है, कहने से है। ओके, आस्क का जो पहले भी आया था क्लियर, जो इन ए पार्टी वाला कॉन्वर्सेशन, उसमें पूरा डिटेल से आस्क का ही समझाया हुआ था। तो देखो इसमें, और जो बैंक वाला कॉन्वर्सेशन था उसमें हैज़ और हैव का यूज़ कहाँ होता है ये बताया हुआ था। तो इसमें इसमें भी मिक्स चल रहा है। देखो आई, अब ये जो आइल है ये आई विल को भी शॉर्ट में ये लिखते हैं। देखो आप अगर यहाँ पे अगर देखेंगे आई विल जो होता है उसको भी ये लिखते हैं शॉर्ट में आइल, और आई शेल जो होता है उसको भी ये लिखते हैं। तो दोनों के, लेकिन स्पोकन में हम शेल का यूज़ करते नहीं हैं। तो यहाँ पे आई आस्क पोर्टर टू टेक इट टू योर रूम, मैं कह दूँगी, किसको कहूँगी, पोर्टर। पोर्टर मतलब होता है कूली, ठीक है। ये अमेरिकन ब्रिटिश इंग्लिश का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, माइनर सा, बाकी पोर्टर और कूली एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक नया वर्ड आपके लिए है, पोर्टर। तो पोर्टर मतलब कौन होता है, जो कूली होता है, ठीक है, जो सामान को ले जाता है। यानी कि वो दिल्ली से आया है रिसेप्शनिस्ट के पास, तो रिसेप्शनिस्ट ने 305 जो है वो रूम उसका बुक कर दिया है। उसके बाद जो उसके साथ का जो लगेज था वो क्या कह, वो कह रही है कि मैं पोर्टर को बोल दूंगी, यानी कि जो कूली है होटल का उसको मैं बोल दूंगी, वो आपके रूम तक पहुँचा देगा। ओके, आई विल आस्क टू टेक इट टू योर रूम। ओके, मैं कुली से कह दूंगी कि वो आपके रूम तक पहुंचा दे या ले ले। यू बी रेस्ट अश्योर्ड, देखो ये रेस्ट अश्योर्ड पहले आ चुका है, निश्चिंत रहो। यू बी रेस्ट अश्योर्ड, आप निश्चिंत रहिए सर। ओके, व्हाट एल्स कैन आई डू फॉर यू सर। देखो एक बार उसने रूम की मदद कर दी, और भी कोई मदद के लिए पूछना है तो फिर ऐसे सेंटेंस आपको पूछना पड़ेगा, एल्स लगाना पड़ेगा उसमें। जैसे व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ये तो पहली बार होता है, एक बार आपने मदद कर दी, फिर दूसरी बार और कुछ मदद के लिए पूछना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा, एल्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट एल्स कैन आई डू फॉर यू सर, और भी आपकी क्या मदद कर सकता हूँ सर, या और भी आपकी क्या मदद कर सकती हूँ सर, इस तरह से इस अर्थ में हम इसका यूज़ करते हैं। तो देखो व्हाट एल्स कैन आई डू फॉर यू सर, और मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, ये तो हो गया चलो रूम वाला, और भी क्या मदद कर सकती हूँ। तो मयंक कह रहा है कैन आई हैव सम टी एंड स्नैक्स इन माई रूम। स्नैक्स, देखो स्नैक्स मतलब होता नाश्ता, ठीक है, टी मतलब चाय, तो चाय नाश्ते का इंतज़ाम कर दीजिए। तो ये कह रही है, ये कह रहा है कि कैन आई हैव सम टी एंड स्नैक्स इन माई रूम, क्या मेरे रूम में कुछ चाय और नाश्ता मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा कौन बोल रही है, ऐसा कौन बोल रहा है, मयंक बोल रहा है किसको, रिसेप्शनिस्ट। तो रिसेप्शनिस्ट क्या कहती है, सर विल सैंडविचेस बी फाइन, सैंडविचेस ठीक रहेंगे सर, आप सैंडविच चलेंगे आपको नाश्ते में। तो मयंक कह रहे हैं फाइन, ठीक है, बट आई वुड प्रेफर चीज़ सैंडविच। हाँ सैंडविच चल तो जाएंगे, लेकिन मैं ज़्यादा अधिकतर किसको पसंद करूँगा, चीज़ वाले, यानी कि पनीर वाले, पनीर वाले जो सैंडविच होंगे वो ज़्यादा बेटर रहेंगे। आई वुड प्रेफर चीज़ सैंडविच, ओके, मैं चीज़ सैंडविच को पसंद करूँगा, ठीक है। तो बस ये बातचीत हो गई, ये होटल बुक हो गया 305 नंबर रूम, और जो लगेज था उसके लिए भी पोर्टर को बोल दिया, यानी कि कुली को बोल दिया, और फिर उसने पूछा और कुछ मदद करूँ, व्हाट एल्स कैन आई डू फॉर यू सर। तो वो बोलता है कि मुझे कुछ टी एंड स्नैक्स चाहिए, यानी कि चाय नाश्ता, और फिर बोलना कि सैंडविच चलेंगे, तो बोले सैंडविच चलेंगे लेकिन मुझे चीज़ वाले सैंडविच चाहिए, ठीक है। तो ये बातचीत वहाँ पे हो जाती है। अब ये सीन नंबर टू आता है इन द रूम, जैसे वो रूम में पहुँच जाता है, उसके बाद रूम में जो वेटर होता है वो चाय बनाने का बोलता है। तो क्या बोलता है, कुड आई प्रिपेयर टी फॉर यू सर, क्या मैं आपके लिए चाय बना दूँ, ठीक है। तो फिर मयंक कह रहा है नो थैंक्स, नहीं नहीं चाय तो नहीं है, लेकिन आपने पूछा उसके लिए शुक्रिया। गेट मी अ मिनरल वाटर बॉटल, मुझे एक मिनरल वाटर बॉटल ला के दे दो, पानी की एक बॉटल ला के दे दो, चाय तो नहीं,
तो फिर वेटर कहता है श्योर सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो यहाँ पे उसने चाय बनाने का, वेटर आपके रूम में आके चाय बनाने का बोलता है, तो चाय लेके बनाने का बोलता है। तो उन्हें कहा नहीं चाय तो नहीं चाहिए, आप मुझे एक पानी की बोतल ला के दे दीजिए, मिनरल वाटर की, मिनरल वाटर बॉटल मुझे ला के दे दीजिए। तो वेटर फिर उसको क्या बोलता है, वेटर बोलता है श्योर सर, बिल्कुल सर। अब ये ठीक है, अब 3 डे का स्टे है, तो अब वो रूम में से रिसेप्शन, आप कभी ऐसा होता है कि हम जब भी होटल के अंदर रूम लेते हैं तो वहाँ पे एक नंबर इशू कर देते हैं, उनमें से 9 नंबर 8 नंबर 7 नंबर 3 नंबर 2 नंबर, कोई भी एक बटन दबाना होता है और अपना जो कॉल होता है वो रिसेप्शन, नीचे रिसेप्शनिस्ट होता है उसके पास चला जाता है। तो इसमें आप देखिए कि क्या बातचीत हुई है। तो वो अपने रूम में से रिसेप्शनिस्ट को कॉल करता है और कहता है ऑन द टेलीफोन, टेलीफोन पर बातचीत है, देखो क्या, हेलो डू यू हैव एनी फैसिलिटी फॉर साइट सीइंग इन शिमला। अब वो देखो दिल्ली से आया और कहाँ कहाँ है अभी, शिमला में 3 डेज़ का स्टे किया उसने, कहाँ किया, शिमला में 3 डेज़ का स्टे किया। तो अब वहाँ पूछ रहा साइट सीइंग क्या होता है, ये पहले मीनिंग समझिए साइट सीइंग। साइट सीइंग का मतलब होता है कि कहीं भी अपन खास खास जगह घूमने जाते हैं, जैसे मान लो आप बॉम्बे गए तो मुंबई के अंदर भी आप मुंबई दर्शन करके एक डबल मंजिला एक बस चलती है, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका साइट सीइंग यानी कि जो बॉम्बे की जो खास खास जगह है वो घुमाती है वो बस। तो जो कोई भी खास खास जगह देखना किसी भी शहर की, तो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं साइट सीइंग, क्या कहते हैं साइट सीइंग। तो ये मीनिंग है वो साइट सीइंग। तो उसने कहा कि हेलो डू यू हैव एनी फैसिलिटी फॉर साइट सीइंग इन शिमला। तो आप देखो अब मेरे 3 दिन की छुट्टी है, तो आप एक काम कीजिए कि ये शिमला के अंदर 3 डे का स्टे भी है, तो साइट सीइंग की कोई फैसिलिटी है, यानी कि ऐसा कोई कैब चलता है, ऐसा कोई वैगन चलता है जो साइट सीइंग करवा के लाए शिमला के अंदर। तो साइट सीइंग के लिए वो कॉल करता है। तो फिर रिसेप्शनिस्ट कहती है सर्टेनली सर, निश्चित रूप से है वहाँ पर फैसिलिटी। फिर आई विल कनेक्ट यू टू आवर ट्रैवल्स डेस्क। अब वो उसके कॉल को ट्रांसफ़र करती है ट्रैवल डेस्क पे, यानी कि उनकी कोई एजेंसी होती है ट्रैवल की जो साइट सीइंग करवाती है, उनकी जो वैगन लीव करती है होटल से। तो उसने कहा कि कोई शिमला के अंदर साइट सीइंग के लिए कोई फैसिलिटी है, सो डू यू हैव एनी फैसिलिटी फॉर साइट सीइंग इन शिमला, कि आपकी शिमला में घूमने कोई साइट सीइंग इन खास खास जगह देखने की कोई फैसिलिटी है, आपकी कोई कैब जाती हो, बस जाती हो होटल से। तो फिर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि सर्टेनली सर, निश्चित रूप से हैं सर, आई विल कनेक्ट यू टू आवर ट्रैवल्स डेस्क। वो हम हमारे ट्रैवल्स डेस्क से आपको कनेक्ट करते हैं, जस्ट अ मोमेंट, एक क्षण रुकिए, ओके। तो फिर ट्रैवल एजेंट कॉल उठाता है और मयंक कॉल पे होता है, लाइन पे होता है और वो बात करता है मयंक ट्रैवल एजेंट से। गुड मॉर्निंग सर, हाउ कैन आई हेल्प यू। सर मैं आप पहले तो विश करता है गुड मॉर्निंग करके और फिर बोलता है हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी किस तरह से सहायता कर सकता हूँ। तो फिर मयंक बोलता है कॉल पे, कॉन्फ्रेंस कॉल पे होता है, वो बोलता है आई वुड लाइक टू गो फॉर साइट सीइंग एट शिमला, मैं शिमला की खास खास जगह घूमना चाहता हूँ। व्हाट ऑल आर द ऑप्शंस अवेलेबल विथ यू, क्या क्या ऑप्शंस हैं साइट सीइंग के लिए, आप मुझे ऑप्शंस बताइए, क्या क्या ऑप्शन है मुझे साइट सीइंग के लिए जाना है। तो फिर ट्रेवल एजेंट जो होता है वो बोलता है सर और होटल वैगन लीव्स, होटल वैगन मतलब होटल की जो गाड़ी है, वैगन मतलब क्या होता है गाड़ी, तो होटल की गाड़ी लीव्स यानी कि निकलती है होटल एट 9 in the morning, सुबह 9 बजे होटल से निकलती है हमारी होटल की जो गाड़ी है वो, होटल वैगन लीव्स एट 9 in the morning, यानी कि सुबह 9 बजे निकलती है। फिर उसके बाद वो साइट सीइंग के कवर ऑल द पॉइंट्स, यानी कि सारे खास खास जो पॉइंट्स हैं शिमला के अंदर उनको कवर करती है एंड रिचेस होटल बैग एट 6 in the evening, और ख़ास ख़ास जगह आपको घुमा के लाएगी पूरे दिन में, साइट सीइंग करवा के लाएगी और फिर शाम को 6 बजे वापस होटल आ जाएगी, ओके। इफ़ यू विश यू कैन हायर अ टैक्सी ऑल्सो, अगर आपको बस में नहीं जाना हो, वैगन में नहीं जाना हो, तो आप अलग से टैक्सी कर सकते हैं और फिर साइट सीइंग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आप देखिए कि मयंक कहता है आई विल प्रेफर अ टैक्सी, मैं तो टैक्सी में जाऊंगा, मुझे होटल वैगन में नहीं जाना है। तो फिर ट्रैवल एजेंट कहता है श्योर सर, व्हाट टाइम डू यू वांट द टैक्सी,
तो ठीक है सर, आप बता दीजिए टैक्सी आपको कितनी कितनी बजे चाहिए। ओके, व्हाट टाइम डू यू वांट द टैक्सी, यानी कि आपको टैक्सी कितनी बजे चाहिए। तो फिर मयंक बोलता है आई लाइक टू गो फॉर सम शॉपिंग इन द इवनिंग, आज शाम को तो मैं एक काम करता हूँ शॉपिंग के लिए निकल जाता हूँ, एंड टुमारो आई वुड गो फॉर साइट सींग, और कल कल मैं साइट सींग के लिए जाऊँगा। तो फिर ट्रैवल एजेंट कहता है फाइन सर, ठीक है सर, टैक्सी वुड बी वेटिंग फॉर यू, टैक्सी आपके लिए इंतज़ार कर रही होगी इन प्रोटिको, प्रोटिको कोई जगह का नाम होगा, वहाँ पे इंतज़ार, इन द प्रोटिको, प्रोटिको में जो बाहर होटल का जो प्रोटिको है वहाँ पे उस जगह इंतज़ार कर रही होगी आप, आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद, यानी कि आपने अभी जो मुझे कॉल किया इसके जस्ट आधे घंटे बाद कल इसी टाइम वहाँ पे इंतज़ार कर रही होगी। तो फिर मयंक कह रहा है थैंक्स आई विल बी देयर, ठीक है मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो इस तरह से बातचीत हुई। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट मीनिंग्स आए हैं तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अराइव का मतलब आना होता है, अकोमोडेशन मतलब आवास, प्रेफरेबली मतलब ज़्यादा पसंद करना, सिंगल ऑक्यूपेसी मतलब एक ही कमरा, लगेज मतलब अतिरिक्त सामान जो होता है वो, फिर पोर्टर, पोर्टर मतलब जो सामान उठाता है कुली, ठीक है, फिर चीज़ सैंडविच तो आप समझते ही हैं, फिर आप देखिए कि सर्टेनली सर, श्योर सर का ही एक रूप है, सर्टेनली सर, श्योर भी यूज़ कर सकते हैं आप, सर्टेनली भी यूज़ कर सकते हैं। फिर ट्रैवल एजेंट को कॉल किया ट्रैवल डेस्क पे, फिर उसने कहा कि आप हमारे होटल वेगन साइड, फिर पूछा कि साइट सींग के क्या क्या ऑप्शन है, बोले होटल वेगन जो है हमारी सुबह 9 बजे निकलती है और सारे पॉइंट को कवर करके शाम को 6 बजे वापस आ जाती है। तो वो कह रहा है कि नहीं नहीं मैं, आप चाहे तो टैक्सी ले सकते हो, तो बोले नहीं मैं तो होटल वैकिन में नहीं जाऊंगा, मुझे तो क्या चाहिए, यानी कि होटल की गाड़ी में नहीं जाऊंगा, मुझे टैक्सी चाहिए। तो बोले कल अभी मुझे शॉपिंग के लिए निकलना है शाम को, और कल मैं इसी टाइम इस जाऊँगा साइट सींग के लिए शिमला के अंदर, वो दिल्ली से आया हुआ होता है, तीन दिन का स्टे करता है वहाँ पर। तो फिर वहाँ पर क्या होता है कि वो कहता है कि ठीक है कल आधे घंटे बाद इसी टाइम पे टैक्सी आपका प्रोटिको में इंतज़ार कर रही होगी, एक प्लेस पे होटल में प्रोटिको है, यानी कि बाहरी बाहरी जगह है वहाँ पे आपका इंतज़ार कर रही होगी। तो मयंक कहता है ठीक है मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। तो इस तरह की बातचीत है, ये कॉन्वर्सेशन आपको समझना है, बहुत ही बढ़िया कॉन्वर्सेशन है। आप अगर छुट्टियाँ प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पर आप होटल में रूम लेंगे तो किस तरह से बातचीत होगी वो इसमें बताया होगा। दैट्स इट फॉर टुडेज़ कॉन्वर्सेशन, थैंक यू सो मच।